बच्चों कैसे हो आप लोग। पटेल कोचिंग में आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 11 बेस चैप्टर 1 सेट से एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से, और इससे जुड़ा हुआ इंट्रोडक्शंस और सारे बेसिक्स देखेंगे। तो बच्चों इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेट क्या होता है और सेट के कितने फॉर्म होते हैं, चाहे वो सेट बिल्डिंग फॉर्म हो चाहे रोस्टर फॉर्म हो, और उससे जुड़े हुए सारी जो डिफिनेशन वगैरह है उसको समझ चुके हैं। इसमें टाइप्स ऑफ सेट को हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों सेट का पहला टाइप है द एम्प्टी सेट। तो सेट मतलब क्या होता है, आपने जान लिया है कि एक प्रकार का कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है जो डिफिनिट हो सकता है। और एम्प्टी सेट क्या होगा, एम्प्टी माने होता है रिक्त या खाली, है ना। तो द एम्प्टी सेट माने ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो ये बहुत ईजी है बच्चों, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अ सेट हुज डज नॉट कंटेन एन एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, अ न्यूल सेट और वाइट सेट। तो देखिए एम्प्टी सेट इसका नाम है, इसका नाम न्यूल सेट भी है, नल सेट और वाइट सेट भी है। और इसका जो सिंबल है फाई का सिंबल है, और ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो वाला सिंबल है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया डिफिनेशन कि इसका एम्प्टी सेट का। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लेट ए इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। जो एक्स का वैल्यू है 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, वह तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, रेशनल नंबर में आ जाएगा या डेसिमल में आ जाएगा। इसीलिए एक्स का कोई एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए बच्चों ये जो है क्या है, एक नल सेट है, ये वाइट सेट है या एम्प्टी सेट है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है फिनिट एंड इनफिनाइट सेट्स। तो फिनिट और इनफिनाइट सेट से में सबसे पहले हम लोग फिनिट सेट को समझते हैं। तो फिनिट सेट क्या होते हैं, ऐसा सेट जिसके जो एलिमेंट हों वो निश्चित हों। ठीक है, मतलब जिसको हम काउंट कर सकें। जैसे इसमें एक तीन एग्जाम्पल दिया है, जैसे फर्स्ट में जो एलिमेंट 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए ये 5 एलिमेंट है इसमें, इसलिए एक फिनाइट सेट होगा, क्योंकि ये 5 के 5 फिक्स्ड हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी आप डालिए जो कि निश्चित हो। लेकिन सी वाला को देखिए, सी वाला क्या बोलते हैं कि मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि विश्व में रहने वाले जो अलग अलग लोग हैं जो कि विश्व के अलग अलग भाग में रहते हैं, ये भी एक फिनिट सेट ही है। क्यों, क्योंकि वो जो भी नंबर होगा एक फिनिट नंबर होगा, वो एक इनफिनाइट नंबर नहीं होगा। इसीलिए सी सी भी जो है ना वो एक फिनिट सेट है। इसको लिखते कैसे हैं, जैसे एन ए, एन ए में देखिए एलिमेंट 5 है, एन बी में 6 है और एन सी में सम फिनिट नंबर। तो जिसका नंबर हम लोग को मालूम नहीं है लेकिन ये मालूम है कि वो एक निश्चित नंबर है, तो उसको लिख देंगे सम फिनिट नंबर। अब चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। इसका डिफिनेशन है कि अ सेट व्हिच इज एम्प्टी, है ना, एक सेट जो या तो खाली हो, आर कंसिस्ट ऑफ अ डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या उसमें एक निश्चित मात्रा में एलिमेंट हो, उसके मेंबर हों, इज कॉल्ड फिनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफिनाइट। तो मान लीजिए कोई सेट के एलिमेंट निश्चित नंबर में हो, फिक्स्ड हो, तो उसको हम लोग फिनाइट सेट बोलेंगे। अगर वो नहीं है निश्चित तो क्या बोल देंगे, उसको हम लोग इनफिनाइट बोल देंगे। अब इनफिनाइट का एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, देन जी इज इनफिनाइट। कि जी जो है ना सेट ऑफ पॉइंट्स है किसी लाइन के ऊपर, तो लाइन के ऊपर इनफिनाइट पॉइंट हो सकते हैं ना, कितने भी पॉइंट आप करते जाएंगे आपको नंबर लाइन में मिलता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जी जो है वो इनफिनाइट हो जाएगा, इनफिनाइट सेट हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे बच्चों इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या होते हैं, जब सेम एलिमेंट होते हैं दो सेट में, टू सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, है ना। तो इसका डिफिनेशन सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। टू सेट्स एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इक्वल टू बी, अदरवाइज द सेट्स आर टू बी अनइक्वल एंड वी राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी। मतलब दोनों के एलिमेंट एकदम सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड बी इक्वल टू 3, 1, 4, 2। तो देखिए इसमें एलिमेंट आगे पीछे हुए हैं लेकिन क्या है, ए जो है पूरी तरीके से बी के बराबर है। इसीलिए हमको क्या बोलना पड़ेगा इसको, कि ये जो है इक्वल सेट है। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है बच्चों जिसको आपको ध्यान देना है, कि बोलता है अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन आर मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। एक सेट जो है ना चेंज नहीं होता है, क्या, जब रिपीटेशन आता है एलिमेंट्स का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ए का वैल्यू अगर 1, 2, 3 है और बी जो है 2, 2, 1, 3, 3 है, तो ये लोग भी इक्वल हैं क्योंकि एलिमेंट ही रिपीट हुए हैं ना। मतलब एलिमेंट के रिपीट होने पर सेट अनइक्वल नहीं होते, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर एलिमेंट अलग अलग है तो वो अनइक्वल हो जाएगा। अब बच्चों एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। तो नीचे निम्न में से कौन सा नल सेट या एम्प्टी सेट या वाइट सेट का एग्जांपल है। तो पहला है द सेट ऑफ हार्ड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2।
तो देखिए कोई भी जो अन नेचुरल नंबर होता है, अन नेचुरल नंबर क्या क्या होता है मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। तो बच्चों देखिए 1, 3, 5, 7 ये जो जाते जाते हैं ना, ये सब अन नेचुरल नंबर में आते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। और इसमें जो क्वेश्चन में बोल रहा है आपका कि द सेट ऑफ अन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, तो ये तो किसी कोई भी अन नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए क्या होगा ये एक नल सेट होगा। तो द सेट ऑफ अन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2 नल सेट होगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स में क्या होता है, देखिए इसमें इवन प्राइम नंबर में एक एलिमेंट ऐसा है 2 जो है ना, क्योंकि इवन प्राइम नंबर में 2 ऐसा है कि 2 इवन भी है और प्राइम भी है, इसीलिए नल सेट नहीं होगा। तो सेकेंड वाला नल सेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2 जो है इसका एक एलिमेंट आ जाता है। थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर है द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर्स और वैल्यू ऑफ एक्स जो है एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। तो देखिए कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर एक्स का वैल्यू में है, ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू जो है ना वो 7 से बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा हो, तो ऐसा नेचुरल नंबर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर एक्स का वैल्यू 7 से बड़ा है तो 5 से भी बड़ा होगा, फिर 5 उससे बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए थर्ड नंबर क्या होगा बच्चों, ये एक नल सेट होगा, है ना। फोर्थ नंबर देखिए, द सेट ऑफ ऑल वाई इज सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो देखिए कोई भी दो पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, क्योंकि वो साथ ही साथ चलते हैं, तो इसीलिए क्या होगा, ये भी एक नल सेट होगा। अब सेकेंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फिनिट आर इनफिनाइट, कि निम्न में से कौन सा सेट फिनिट है और इनफिनाइट है। तो फर्स्ट है द सेट सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, तो एक साल में 12 महीने होते हैं तो फिनिट है। सेकेंड नंबर देखिए 1, 2, 3 के बाद 3 डॉट 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 है, तो बच्चों अगर ये जो 1, 2, 3 के बाद 3 डॉट डॉट होता है तो इस प्रकार का जो सेट होता है ना हमेशा इनफिनाइट होता है, याद रखिएगा। थर्ड नंबर देखिए 1, 2, 3 के बाद 3 डॉट डॉट है, 99 और 100 है, 99 और 100 है, ये जो एक फिनिट है। क्यों फिनिट है, क्योंकि देखिए 100 है टोटल एलिमेंट, भले ही बीच के लिए इसने डॉट का यूज किया है, तो यहाँ पे इनफिनाइट नहीं होगा, लास्ट टाइम अगर 3 डॉट होता है तब इनफिनाइट होता है। फोर्थ नंबर देखिए द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 तो इनफिनाइट होगा, तो ये इनफिनिट सेट होगा। द सेट ऑफ प्राइम नंबर प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो बच्चों फिफ्थ नंबर में देखते हैं, फिफ्थ नंबर बोलता है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो 99 से लेस प्राइम नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 97, ऐसा चलेगा ये, फिर 95 है ना, फिर 93 ऐसा जाते जाएगा, और जाते जाते कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, तो 1 में फिर ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एक फिनिट सेट होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफिनाइट आर फिनिट, ठीक है। तो फर्स्ट है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बच्चों देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल में इनफिनाइट लाइन हो सकते हैं। ये मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे आप जितना भी लाइन ड्रा करेंगे ऐसा, ये सारे के सारे जो हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं और ये इनफिनाइट तक जाएगा पूरा, तो इसीलिए एक्स एक्सिस के पैरेलल जो सेट है ना वो इनफिनाइट होगा, ठीक है। तो सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इनफिनाइट हो गया। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट में से जेड तक लेटर 26 हैं, तो ये फिनिट हो जाएगा। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 जो हैं वो जो नंबर्स हैं इनफिनाइट होते हैं, तो इनफिनाइट हो जाएगा ये। इसका फोर्थ नंबर देखते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो देखिए जो सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ है उसको आप काउंट कर सकते हैं, बल्कि हमको नहीं मालूम एग्जैक्टली कि कितना नंबर होगा, लेकिन वो फिनाइट होगा क्योंकि वो एक फिनिट नंबर होगा, काउंट करने के बाद वो नंबर हमको मिल जाएगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर है कि द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ ओ, इसका होगा। तो बच्चों मान लीजिए ओरिजिन है ओ ओ, इससे क्या होगा, कितने भी प्रकार के इसको सेंटर मान के हम लोग सर्कल ड्रा कर सकते हैं ना, कितने भी प्रकार के कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसा हो सकता है, ऐसा देखिए ये सारे सर्कल जो है ना एक ही सेंटर पे हम लोग ड्रा ऐसा कर सकते हैं, सबका सेंटर ही है वो, तो ये क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए आर बी आर नॉट, हम लोगों को इसमें बताना है कि ए बी के बराबर है कि नहीं। तभी मैंने आपको समझाया था कि जो इक्वल सेट होते हैं उसमें जो एलिमेंट हैं वो सेम टू सेम होना चाहिए, हाँ रिपीटेशन में अगर एलिमेंट आगे पीछे होते हैं तो चलता है, लेकिन एलिमेंट जो है ना चेंज नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट है ए इक्वल टू ए बी सी डी,
और b इक्वल टू डी सी बी है। तो इसमें देखिए एलिमेंट आगे पीछे हुए हैं लेकिन सेम एलिमेंट हैं, तो ये क्या होगा, इक्वल सेट होगा। फर्स्ट एक इक्वल सेट है। सेकेंड में देखिए एक एलिमेंट है 4, 8, 12, 16 और बी के हैं 8, 4, 16, 18। तो यहाँ पे देखिए 8, 4, 16 तो दोनों में है लेकिन ये 12 और 18 अलग अलग है, तो अलग अलग होगा तो इज नॉट इक्वल टू बी, है ना। तो ये इक्वल सेट नहीं है और बी, सेकेंड में और बी इक्वल सेट नहीं है। थर्ड को देखते हैं, ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है 2, 4, 6, 8, 10। अब बी बोलता है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड एक्स शुड बी इक्वल टू ऑल लेस देन 10। तो एक्स का वैल्यू जो है ना पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो देखिए सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं, साथ ही साथ एक्स का कंडीशन क्या बता दिया है कि वो या तो 10 के बराबर होगा या 10 से छोटा होगा, तो दोनों इक्वल है, है ना। ये सेट बिल्डिंग फॉर्म में है और रेस्टर फॉर्म में है, तो यहाँ एक जो है इक्वल सेट होगा। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर देखिए, ए इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, एक्स जो है 10 का मल्टीपल है। यहाँ पे बोलता है 10, 15, 20, 25। तो देखिए 15 जो है ना 10 के टेबल में नहीं आता, अगर यहाँ पे 15 नहीं होता, 10, 20, 30 ऐसा रहता तो इक्वल टू बी होता, है ना। तो ये क्या होगा, लास्ट वाला जो है इक्वल सेट नहीं होगा। अब चलिए फिफ्थ नंबर पे चलते हैं कि आर द फॉलोइंग पेयर आप सेट्स इक्वल, गिव रीजंस, क्या नीचे के पेयर जो हैं इक्वल हैं, हम लोग को रीजन बताना है। तो पहला बोलता है ए इक्वल टू 2, 3, ठीक है ए इक्वल टू 2, 3। और बी है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 इक्वल टू 0। तो अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 इक्वल टू 0, अगर ये 2, 3 आता है तो दोनों इक्वल होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है। अब मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट करने से ऐसा होता है इसका रूल कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और प्लस करें तो 5x आ जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2x + 6। तो देखिए दोनों का कोफिशियंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और ऐड करेंगे तो 5x आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन आ गया तो x प्लस 3 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 3 कॉमन, इसको कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3 कॉमन आ गया और इधर x प्लस 2 कॉमन आ गया, ठीक है इक्वल टू 0। या इसका मतलब क्या होता है कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 सो दैट x इक्वल टू माइनस 3। दूसरा होता है x प्लस 2 इक्वल टू 0 सो दैट एक्स इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए एक्स का दो वैल्यू आ गया, -3 और -2। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आया है, एक्स का -3 और -2 आया है। तो एक्स का वैल्यू -3 और -2 आने से यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है कि 2 और 3 अलग है और -2 और -3 अलग है, तो इसीलिए पहला जो है ना वो इक्वल सेट नहीं होगा। अब सेकेंड को देखते हैं, ए इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, follow, ठीक है ना। तो फॉलो में कितने प्रकार के अल्फाबेट हैं, तो देखिए अल्फाबेट है फॉलो में follow, है ना, बाकी रिपीट हुआ है। दूसरा बोलता है कि द सेट ऑफ ऑल वाई इट सज दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड WOLF। तो इसमें भी देखिए क्या है WOLF, मतलब देखिए यहाँ पे LL मिल गया, O मिल गया, O WW मिल गया और FF मिल गया, मतलब ये जो चारों के चारों अल्फाबेट जो है ना सेम है, ठीक है। तो बच्चों 5 का जो B हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये इक्वल सेट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब इसमें एक को देखिए, एक एलिमेंट क्या है 2, 4, 8, 12, ठीक है 2, 4, 8, 12 किस में है, किसी और में है क्या, देखिए यहाँ पे 4, 8, 12 14 है, है ना, 2 नहीं है और इसमें 14 नहीं है, तो ए और सी तो इक्वल सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए तो ए का कोई भी इक्वल सेट नहीं है। बी को देखते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ना तो ए के बराबर है ना बी के बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है 3, 1, 4, 2। तो यहाँ पे दोनों के जो एलिमेंट है सेम है, तो यहाँ पे इक्वल सेट क्या हो जाएगा, बी एंड डी हो जाएगा, है ना। तो बी इक्वल हो जाएगा डी के, ये हमको मिल गया एक। तो आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पे ई जो है -1, 1 है और यहाँ पे देखिए ये क्या है, आगे पीछे है जी जो है 1, -1 है। तो ई और जी भी ना यहाँ पे इक्वल सेट होंगे, इसको भी लिख लेते हैं, तो ई इक्वल जी कर देंगे, ठीक है ये समझ में आ गया आपको। और ये देखिए यहाँ पे एफ 0A है और यहाँ पे 0A1 है, तो 0A और 1 अलग अलग है, इसलिए एफ और एच इक्वल सेट नहीं है।
तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ऐसा कि ए नॉट इक्वल टू सी, और लिख सकते हैं एफ नॉट इक्वल टू जी। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है, माने बी इक्वल है इक्वल सेट है डी का, ई इक्वल सेट है जी का, ये जो है इक्वल सेट नहीं है सी का, और एफ भी इक्वल सेट नहीं है जी का। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूँ मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, निश्चित तौर पर मैं आपको हेल्प करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।